फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ यू ऑल? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। सो दिस इज द एपिसोड नंबर 3 ऑफ THG सुपरसोनिक GS सीरीज फॉर IBPS PORBA ग्रेड बी नाबा DA LIC असिस्टेंट एंड IBPS क्लर्क मेंस एग्जामिनेशंस। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाय। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड इज The Davis Cup tie between India and Pakistan will be held from 29th to 30th November at which neutral venue? जो डेविस कप होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो कहां पर होगा? तो वो होगा नूर सुल्तान में। एंड व्हाट इज नूर सुल्तान? नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। पहले हम इसे अस्ताना के नाम से जानते थे। इसके बारे में और चीजें जान लेते हैं कि अर्ली इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद। ये जो डेविस कप टाई है, ये इस्लामाबाद में होने वाला था, लेकिन भारत ने सुरक्षा कारणों के कारण इस पे संदेह जताया, तो जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITF है, उसने इसे फिर इस्लामाबाद से नूर सुल्तान शिफ्ट कर दिया। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। करंट का सवाल है, हु हैज टॉप्ड द फॉर्च्यून्स बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 लिस्ट रिलीज बाय द अमेरिकन मैगजीन ऑन 19th नवंबर 2019। अब से 3 दिनों पहले की बात है, जो फॉर्च्यून मैगजीन है अमेरिका की, उनके अनुसार जो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 है वो है सत्या नडेला। कौन है ये? ये है माइक्रोसॉफ्ट के CEO। टाइगर सेंसस जो है, इसके बारे में एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं। तीसरा सवाल इस एपिसोड का ये है कि इस पर द लेटेस्ट टाइगर सेंसस, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। एक यहां पर इस तस्वीर में आपको हिंट मिल रही होगी, ये जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जहां पर है, वहीं पर उसी स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। तो लेट्स सी द आंसर। द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो एक तो यहां पर ये सवाल बनता है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड सेकेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स कर्नाटका। कर्नाटका हैज 524 एंड मध्य प्रदेश हैज 526, 526। ये रिपोर्ट किसने कंपाइल करी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड Forest. Which state has decided to convert classes 1 to 6 in all government schools into English medium from the next academic year? अगले academic वर्ष से किस राज्य ने ये निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से लेकर 6 तक जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन्हें इंग्लिश मीडियम कर दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। और ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, वो है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर Y. जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, एक तो ये सवाल हो गया आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो श्री वाई जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जो फर्स्ट से लेकर 6 तक गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है अगले एकेडमिक ईयर से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है। और इसमें ये भी इंफॉर्मेशन है कि स्लोली ऑल अदर क्लासेस जैसे कि 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th विल ऑल्सो शिफ्ट टू इंग्लिश मीडियम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कितना बजट रखा गया है इस बदलाव के लिए? वो बजट रखा गया है 12,000 करोड़। अगला सवाल, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ रिलीफ पैकेज ऑफ डैश फॉर द ए-लिंक BSNL एंड MTL। आप लोगों ने न्यूज में सुना ही होगा कि जो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और MTNL महानगर टेलीफोन लिमिटेड, ये भारत सरकार के उपक्रम है, ये बहुत घाटे में चल रहे हैं। और इसमें जो भारत सरकार है, उन्होंने 69,000 करोड़ यानी 69,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। वो यूज कहाँ करेंगे? वो यूज करेंगे इसे मोनेटाइज मर्जिंग द टू लॉस मेकिंग फर्म्स। मर्जर यहाँ पर ये मर्जर की बात चल रही है BSNL और MTNL की, ठीक है। इनका मर्जर करेगी। बहुत सारे एम्प्लॉयज आपने देखा होगा, 3 दिसंबर तक डेट है VRS। VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। 3 दिसंबर तक कहा गया है कि आप में से जो लोग VRS लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। काफी लोगों ने इसके लिए हामी भर दी है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद, एज पर अ रीसेंट अनाउंसमेंट बाय सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग जनवरी 1, 2020, द लिस्टेड कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज एनी अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट विद इन हाउ मेनी डेज। मान लीजिए कोई डिफॉल्ट हो जाता है किसी कंपनी से, तो कितने दिनों के अंदर उस लिस्टेड कंपनी को, ठीक है, जो लिस्टेड है NSE पे या BSE पे, स्टॉक एक्सचेंजेस में जो कंपनीज लिस्टेड है, अगर वो कोई डिफॉल्ट करते हैं तो 31 दिनों के अंदर उन्हें उसकी जानकारी सेबी को देनी पड़ेगी, नहीं तो उन पे कार्रवाई हो सकती है। तो ये शुरुआत कब से होगा? ये कानून
जो आएगा वो आएगा जनवरी 1, 2020 से। अब सभी के बारे में एक चीज ये देख लें कि इनके चेयरमैन कौन है, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये, तो इनके चेयरमैन है श्री अजय त्यागी और हेडक्वार्टर जो है सेबी का वो लोकेटेड है मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद स्टडी का सवाल देख लेते हैं, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन यूनिवर्सल या इसे वर्ल्ड चिल्ड्रन डे भी कहते हैं। अगर एग्जाम में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी आता है तो आप लिख सकते हैं या यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, बात दोनों बराबर है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। और भारत में जो बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि पर 14 नवंबर को। 14 नवंबर नेशनल चिल्ड्रंस डे एंड 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। इट इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम दैट चिल्ड्रन फेस ग्लोबली एंड टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस वेलफेयर। अगला सवाल है, फर्स्ट नेशनल रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा, रेरा का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कॉन्क्लेव वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी। अभी हाल ही में 4 नवंबर को ये कॉन्क्लेव हुआ था और पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, इट वॉज हेल्ड इन द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ। रियल स्टेट इज वन ऑफ द फोरमोस्ट सेक्टर्स ऑफ नेशन्स इकोनॉमी which is also contributing to employment generation, the GDP and in enhancing the growth in related industries. तो याद रखिएगा रेरा का पहला राष्ट्रीय स्तर का कंक्लेव लखनऊ में हुआ। खेल की तरफ चलते हैं। ISSF यानी International Shooting Sport Federation Rifle and Pistol World Cup जो भी चल रहा है वो कहां पर हो रहा है? तो वो हो रहा है पुल्टन चाइना में। और इसमें इससे भी इंपॉर्टेंट एक तो ये हो गया और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखिएगा, अगला ISSF वर्ल्ड कप जो है वो भारत में ये है आयोजन उसका होगा, कब होगा? मार्च 2020 में। इसके बाद द 35th एशियन समिट वॉज हेल्ड फ्रॉम 1st to 4th नवंबर एट, ये जो एशियन समिट हुआ, एशियन यानी यहां पर फुल फॉर्म दिया हुआ है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये समिट हुआ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। बैंकॉक की ये थाईलैंड की करेंसी क्या है? BHT। एक तो करेंसी हो गया, राजधानी हो गया और एशियन कहां पर हुआ ये हो गया। और ये एशियन ये एसएससी टाइप में जरूर आता है। कब बना था? 1967 में बना था। इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब अगला सवाल है, द 47th G7 समिट विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 टू 12 जून 2020 इन विच कंट्री। तो पहले तो ये देख लीजिए ये कहां पर होगा, ये होगा यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में ये इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? ये हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये देश जो है वो G7 के मेंबर्स हैं। अगला समिट जो है वो होगा अमेरिका में 10 से 12 जून। देखिए जब G7 की बात आती है वहां पर बहुत लोग G20 से इसे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो G20 जो है अगले साल वो होगा रियाद सऊदी अरेबिया में, ध्यान रखिएगा। G20 आता है तो रियाद सऊदी अरेबिया, और अगर G7 के बारे में पूछा जाता है तो वो होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं आगे, अंतिम सवाल इस वीडियो का, एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ 2019। ये कुछ सालों से शुरू हुआ है कि जो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होने लगा उस साल, ठीक है, अचानक, तो उस वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं। तो जो 2019 है उसके लिए जो शब्द है वो है क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है। बहुत बार ये वर्ड जो है 2019 में सुनने को मिला और लगभग लगभग सिर्फ सितंबर महीने में इसे इसकी जो यूसेज है इसका जो उपयोग है वो लगभग 100 गुना से ज्यादा किया गया। तो फ्रेंड्स ये था एपिसोड नंबर 3 एपिसोड नंबर 3 फॉर द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ RBI ग्रेड बी नाबार्ड DA IBPS PO LIC असिस्टेंट एज वेल एज IBPS क्लर्क। तो जैसा कि प्रॉमिस हमने करा है ये सीरीज जारी रहेगी जब तक कि आपका IBPS क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन जो जनवरी में होता है वो आपका ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है
आपको इससे कितना लाभ हो रहा है, जस्ट शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, और आपके जो भी विचार हैं वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम इस सीरीज को और बेहतर बना सकें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे इजाजत। आप रखिए अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल। नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।